आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ जुबैर शेख की रिपोर्ट के मुताबिक चेक नंबर 458 गाफ पे के मोहम्मद फयाज छून नामी शख्स ने बीवी को तलाक देकर इसकी लाखों रुपए मालियत के माल मवेशी और जहेज के सामान पर कब्जा कर लिया। मुतलका खातून अपना सामान और माल मवेशी दिलाने की फरियाद पुलिस के आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए मकामी सहाफियों के पास पहुँच गई। चक 458 गाफ पे की जाहिदा परवीन ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि 10 साल कबल शादी हुई फयाज नामी शख्स से और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि गुज़िश्ता साल हमारी जिंदगी में एक नौ उम्र लड़की ने जहर घोल दिया। इस तरह मेरा खामद हीले बहानों से मुझसे लड़ाई झगड़े करने लगा। गुज़िश्ता रोज वहशियाना तशद्दुद करके इसे घर से निकाल दिया तो वो अपने भाइयों के पास चली गई तो उसके खामद मोहम्मद फयाज ने इसे तलाक भुजवा दी, लेकिन वो मेरा लाखों रुपए मालियत के जहेज का सामान और माल मवेशी वापस नहीं करा। ज़ादा के भाई मज़र अब्बास ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ मेरे बहन भाइयों ने मकामी ज़िम्मेदारों की पंचायत में भी सामान की वापसी का तकाजा किया मगर वो इनकारी हो गया। ज़राए के मुताबिक वो ज़ादा का घर उजाड़ने वाली मोज़ा शादी सादत की लड़की से शादी रचाने की तैयारी कर रहा है जिसकी उम्र कानून के मुताबिक पूरी नहीं है। इसने आरपीओ सीपीओ फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि वो इसके सबका शोहर की कम उम्र लड़की से शादी रुकवाने के साथ साथ इसके जहेज के सामान को वापस दिलवाएं। हाँ जी, की नाम है तुम्हारा? मदर अब्बास मेरा नाम है। हाँ जी बोलो। मदर अब्बास मेरा नाम है जी। मैं 458 का रहने वाला, तहसील तांदले वाला। हाँ जी। जिला फैसलाबाद, थानागढ़ पंजा। जी जी। मेरा जी मशीरा की शादी हुई है मेरे मलवेर नाल। की नाम है दा? उनका नाम जी फयाज। फयाज अहमद जी ना वाल रियाज अहमद। उनके नाल जी शादी हुई है। वो जी 10 साल ताई 9 साल ताई ठीक रहे। 9 साल तो बाद जनाब उनकी एक साडे रिश्तेदार की लड़की आई, उनके नाल जी उनकी सेटिंग हो गई। उनकी वजह तो जनाब साल साढ़े बूहे तो बैठी रही मार कुट के उन्हें बजा छी। जेड़ा असें समान जहेज दिता वो जनाब सारा वो खा पी गए। असा जी बंदे बंदे आखिया पूरे पिंड भी साढ़ा जनाब आ चलो तलाक। बच्ची ने तलाक क्यों दी? की वजह है? तलाक दी है जी इस ये वजह बनी है जी साढ़े रिश्तेदार की लड़की है उनके ने उनकी सेटिंग आई जी। इस वजह तो उस तलाक कोई शादी शूदी करता है उन्होंने? हाँ जी उदे जी शादी कर रहे हैं। साड़ी बच्ची जनाब घर बैठी वो जनाब शादी कर रहा है सब कुछ साढ़ा गप गड़प कर गए। की आखना चाहते हो आला हुकाम नो सी पी ओ आर पी ओ नो? मैं ये गुजारिश करना जनाब कि साढ़ा माल मुआशी जो कुछ भी है समान जहेज है वो जनाब लैके दिता जाए। गरीब जी लड़की ना शादी कर रहा उसकी उम्र कितनी है? वो किस काबिल शादी के काबिल है कि नहीं है? जनाब उनकी कोई शादी के काबिल नहीं है। की नाम है उस बच्ची का? अरीबा उनका जी नाम है। 12 से 13 साल उनकी उम्र है। तो जनाब ये गुजारिश करना जनाब जितने आला हैं अफसर हजरात कि जनाब ये साड़ी गुजारिश है ये साड़ा मसला हल किया जाए। छोरा की नाम है तेरा? दादा परवीन। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲੀ ਹੈ? 13 ਸਾਲ। ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਗੀ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਲਾਕ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ मेरे जानवर मेरा देवर सब कुछ उन्होंने कोल मैनू मैं अपील करनी हाँ हुकूमत दे अगे कि मैनू मेरे सारा कुछ लाके। पहले तुसी उन्हां कोल कोई मंगया मुंगया भी है? मैं पिंड दी पर पंचायत साहब उन्होंने कल्ली लेकिन वो किसी गल च नहीं आते पे। हम तुसी चाहते हो कि तुहानू इंसाफ दिता जाए? हाँ जी।